नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल मनी बिल और ट्रिब्यूनल्स की गवर्नेंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो 2017 में जो बिल पास हुआ था, फाइनेंस बिल 2017, अब ये एक्ट बन चुका है, फाइनेंस एक्ट 2017। इसमें क्या किया गया था, इस बिल में देखो 26 ट्रिब्यूनल्स की गवर्नेंस में फेरबदल किया गया था। 2017 से पहले, यानी इस बिल के पास होने से पहले, हर एक ट्रिब्यूनल को एक एक्ट की सहायता से इस्टाब्लिश किया गया था। और उस एक्ट में प्रोविजंस थे कैसे ट्रिब्यूनल में मेंबर की नियुक्ति होगी, मेंबर्स की वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे, सब कुछ डिफाइन था एक्ट में। और हर एक ट्रिब्यूनल के लिए एक अलग से एक्ट था। लेकिन फाइनेंस बिल 2017 में प्रोविजन ये था, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को तो देखो एबोलिश कर दिया गया। 26 में से काफी सारे ट्रिब्यूनल्स ऐसे थे जिनको एबोलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। अभी वो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं एक्ट बनने के बाद। दूसरी बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, वो ट्रिब्यूनल्स जिनको खत्म नहीं किया गया, उनके एक्ट में जो प्रोविजंस थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक ट्रिब्यूनल के लिए एक अलग से एक्ट था 2017 से पहले, और उस एक्ट में प्रोविजन थे कैसे मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, सैलरी अलाउंसेस क्या होंगे, ये सब चीजें। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद कई सारे एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस थे उनको रिपील कर दिया गया और पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कैसे ट्रिब्यूनल्स काम करेंगी। समझ रहे हो बात? पहले एक अलग से एक्ट था जिसमें सब कुछ डिफाइन था कैसे ट्रिब्यूनल काम करेंगी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद पावर आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी कैसे ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ट्रिब्यूनल्स की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि ट्रिब्यूनल्स कैसे काम करेंगी। पहले पावर किसी के पास नहीं थी, पहले एक अलग से एक्ट बना हुआ था। तो ये तो हमने बात की फाइनेंस एक्ट 2017 के बेसिक्स के बारे में। इस एक्ट से ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस प्रभावित होती है, जो कि गलत है। यह एक डायमेंशन है। दूसरी डायमेंशन यह है, जिस प्रकार से इस बिल को पास किया गया, फाइनेंस बिल 2017, वो भी गलत है, प्रोसीजर भी गलत था। इस बिल को कैसे पास किया गया, इस बिल को पास किया गया एज ए मनी बिल। तो दो डायमेंशन हो जाती है इस आर्टिकल की। एक तो यह एक्ट अपने आप में गलत था, दूसरा जिस प्रकार से इस बिल को पास किया गया एक्ट बनाने के लिए वो भी गलत था, क्योंकि एज ए मनी बिल पास किया गया था इस एक्ट को। तो दोनों डायमेंशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम ट्रिब्यूनल्स की गवर्नेंस से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मनी बिल के इशू के बारे में बात करेंगे। देखो फाइनेंस बिल 2017 की सहायता से जिन ट्रिब्यूनल्स के लिए रूल बनाने की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, उनमें से काफी ट्रिब्यूनल्स ये हैं: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। ये देखो वो ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके द्वारा ऐसा काम किया जाता है जो पहले किया जाता था हायर जुडिशरी के द्वारा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, आपको पता है, फिलहाल कोलिजियम के द्वारा की जाती है और एग्जीक्यूटिव का कोई से नहीं है। इससे क्या हो रहा है, इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है वो ठीक से अप्लाई हो रहा है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर हो पा रही है। लेकिन फाइनेंस बिल 2017 की सहायता से क्या हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स के लिए रूल्स बनाने की पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ गई है। इन ट्रिब्यूनल्स में जो जज होंगे या फिर मेंबर्स होंगे, उनके लिए वर्किंग कंडीशन क्या होगी, सैलरी अलाउंसेस कितने होंगे, किस प्रकार से मेंबर का चुनाव किया जाएगा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। तो सोच के देखो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें।
यहां पे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है वो वायलेट हो गया ना, क्योंकि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है। यहां पे अब इंडिपेंडेंट रूप से ये ट्रिब्यूनल काम नहीं कर सकेंगे। देखो इन ट्रिब्यूनल्स में आधे केसेस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही पार्टी होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखो ए और बी दो पर्संस के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों जाते हैं एक पर्सन सी के पास से। सी जो है वो फादर या फिर मदर है बी के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ए ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि सी जो है निष्पक्ष रूप से मामले का निपटारा करेंगे और बी के पक्ष में बायस्ड होकर फैसला नहीं देंगे? देखो संभावना कम है, क्योंकि सी जो है वो बी के फादर या फिर मदर हैं, तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से देखो जैसे एनजीटी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी ट्रिब्यूनल के आधे केसेस में तो गवर्नमेंट खुद ही पार्टी होती है। गवर्नमेंट का फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट है किसी पार्टी के साथ, डी के साथ है। अब गवर्नमेंट खुद ही एनजीटी के लिए रूल बना रही है, एनजीटी कैसे काम करेगा, मेंबर्स की वर्किंग कंडीशन क्या होगी, सबके लिए गवर्नमेंट रूल बना रही है, पावर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट एनजीटी की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहां पे क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा नहीं हो जाता? क्या ज्यादा संभावना पैदा नहीं हो जाती कि एनजीटी के मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला देने के लिए? तो इसी वजह से तो कहा जा रहा है यहां पे गवर्नमेंट चूंकि ट्रिब्यूनल्स में आधे केसेस में पार्टी होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होनी चाहिए ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग के लिए रूल बनाने की, क्योंकि यहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और ट्रिब्यूनल्स की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होती है। एक और पॉइंट देखो इसी से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग में यह कहा था इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल्स हैं इन जुडिशियल ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के इक्विवेलेंट हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ जाते हुए फाइनेंस एक्ट 2017 में यह प्रोविजन कर दिया गया कि इन 13 डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स को प्रिजाइड किया जा सकता है ऐसे पर्सन के द्वारा जो एलिजिबल हो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए। तो एसेंस क्या निकलता है? एसेंस ये निकलता है इन ट्रिब्यूनल्स के हेड के लिए क्वालिफिकेशन को काफी डाइल्यूट कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2017 ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफिकेशन दी थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 ने क्वालिफिकेशन की कंडीशंस को बहुत हद तक डाइल्यूट कर दिया। तो ये तो देखो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया इस पूरे इशू का। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। फाइनेंशियल बिल 2017 को पास किया गया, कैसे पास किया गया? एज ए मनी बिल, जो कि अपने आप में गलत था। आपको पता है आर्टिकल 110 सेक्शन 1 के तहत साफ तौर पर लिखा गया है कि कौन सा बिल मनी बिल होता है, जिसमें देखो ये सारे प्रोविजंस हों, इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्स, नोट लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस नहीं, उसके बाद बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पे विड्रॉल रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आप बताइए जिस फाइनेंशियल बिल 2017 की हम बात कर रहे हैं क्या उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो मनी बिल से संबंधित हो? नहीं है ना। तो फिर उस बिल को एज ए मनी बिल क्यों पास किया गया? यही मामला अभी पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मनी बिल की खास बात आपको पता है क्या होती है? मनी बिल को राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं मनी बिल के संदर्भ में। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि विभिन्न गवर्नमेंट्स कई सारे बिल को पास करवाने की कोशिश करती हैं एज ए मनी बिल? सीधी सीधी बात है ना, उनके पास रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं होती राज्यसभा में, तो उनको लगता है कि बिल अगर राज्यसभा में जाएगा तो अटक जाएगा, तो एक जुगाड़ ढूंढ लिया जाता है कि बिल को पास किया जाए एज ए मनी बिल। मनी बिल को राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो रूलिंग पार्टी का जो उद्देश्य है वो सर्व हो जाता है। बिल भी पास हो गया, लेकिन पास कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज करके, जो कि अपने आप में गलत है। यहां पर देखो वैसे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है संविधान के आर्टिकल 110 सेक्शन 3 में यह लिखा गया है फाइनल डिसीजन लोकसभा की स्पीकर का होगा यह डिसाइड करना कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। तो फाइनेंस बिल 2017 के केस में लोकसभा की स्पीकर के द्वारा यह डिसाइड किया गया था कि वो बिल एज ए मनी बिल है, तो फिर संदेह की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, जो कुछ हुआ संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से हुआ।
लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस रूलिंग्स में बार बार ये बात कही है, देखो ये बात सही है कि स्पीकर का डिसीजन जो है वो अंतिम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे केसेस में कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन है वो खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का तो काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, और स्पीकर अपनी पावर्स को जो ड्रा कर रही हैं वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन से कर रही है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके फैसला नहीं ले सकती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार बोला गया है अपनी प्रीवियस रूलिंग्स में। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो जाता है। इस इशू पर लोकसभा की स्पीकर का जो डिसीजन है वही फाइनल है और कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन यहां पर एप्लीकेबल होती है। तो ये तो देखो हमने पूरा इशू समझ लिया। कंटेक्स्ट अब आपको लास्ट में बताता हूं। एक केस है, केस का नाम है रेवेन्यू बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सवाल खड़ा हुआ फाइनेंस एक्ट 2017 की वैलिडिटी पर। तो इस केस में ओरल आर्ग्यूमेंट्स को अब सुन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। तो देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या वर्डिक्ट सुनाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट फाइनेंस एक्ट 2017 को इनवैलिडेट करार देती है या फिर नहीं देती है। राइटर के द्वारा कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार फिर से मौका है इस बिल को इनवैलिडेट करार दिया जाए और अपनी गलती को सुधारा जाए। क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को सुधारे? क्योंकि देखो आधार बिल 2016 इसको भी एज ए मनी बिल पर पास किया गया था पार्लियामेंट से, और ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस में वर्डिक्ट देते हुए आधार बिल 2016 को, यानी अब आधार एक्ट है क्योंकि पास हो गया था, आधार एक्ट 2016 को इनवैलिडेट करार नहीं दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जिस प्रकार से आधार एक्ट बना है एज ए मनी बिल, आधार बिल को पास किया गया था, वो अपने आप में गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसी वजह से राइटर कहते हैं जो गलती उस समय की गई थी उस गलती को सुधारना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अभी फिलहाल इस केस में रेवेन्यू बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।